बॉलीवुड की एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने दूसरी शादी रचा ली है। एक बिजनेसमैन वैभव रेखी की पत्नी बनकर दिया काफी खुश है, लेकिन क्या आपको मालूम है दिया मिर्जा से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो खुद दिया ने खोले। शादी के तुरंत बाद जब मीडिया को मिठाइयां बांटती हुई नजर आई दिया मिर्जा, तो दिया मिर्जा के साथ उनके हस्बैंड नजर नहीं आए। अब इस पर सवाल खड़ा हुआ कि आखिर दिया मिर्जा के साथ उनके हस्बैंड नजर क्यों नहीं आए, क्या थी वजह। तो दिया ने इसके पीछे की वजह बताई, मैडम सर को भी बुलाइए ना। जब फोटोग्राफर ने कहा तो पति वैभव के बारे में दिया ने कहा कि सर थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए वो मिठाई खिलाने नहीं आए। दिया का जवाब सुनकर वहां लोग हंसने भी लगे। दरअसल दिया मिर्जा जानती है कि उनके हस्बैंड मीडिया से संपर्क रखना पसंद नहीं करते, यानी कि वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं, फिल्मों की इस दुनिया से दूर रहते हैं। करोड़ों के बिजनेस वो कर रहे हैं, लेकिन फिल्मों से उनका कोई नाता नहीं। ऐसे में वैभव रेखी के बिना ही, पते के बिना ही दिया मिर्जा पहुंची मीडिया वालों को मिठाइयां देने के लिए। वैसे दिया मिर्जा शादी के तुरंत बाद मां बन चुकी है। जी हाँ, दिया मिर्जा की एक बेटी आ चुकी है उनके घर पर। दिया मिर्जा की बेटी है वो वैभव रेखी की अपनी बेटी समायरा, और समायरा के साथ दिया काफी खुश है। दिया और वैभव की शादी में समायरा अपनी सौतेली माँ के स्वागत के लिए खुद खड़ी थी। वैसे आपको मालूम हो ना हो, शादी में आदित्य राव हैदरी ने वैभव के जूते चुराए थे। वैसे आपको बता दें कि वैभव रेखी ने सुरेखा रेखी से पहले शादी की थी, और दिया मिर्जा ने बिजनेसमैन साहिल संघा से शादी की थी। वैभव और सुरेखा की एक बेटी है जो वैभव के साथ रहती है, जिसके कारण दिया की हो गई वो बेटी और दिया मिर्जा बन चुकी है शादी के बाद माँ। अब आपको बताना चाहेंगे इसी के साथ साथ कि 5 साल की शादीशुदा जिंदगी में दिया मिर्जा को खास देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अलग तरीके की जिंदगी जीनी पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं है कि दिया मिर्जा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से भी डील करना पड़ा है, लेकिन फिर भी दिया मिर्जा खुश हैं, क्योंकि दिया मिर्जा के पास अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। दिया मिर्जा के पास उनके परिवार वाले हैं, दिया के लिए उनके घर पर कई लोग हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। दिया मिर्जा के लिए इस वक्त अपने पति का ख्याल रखना ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है। दिया ने 5 साल की शादीशुदा जिंदगी में खुशियाँ नहीं बटोरी, यानी कि उन्हें अपने 5 साल की शादीशुदा जिंदगी पर विराम साल 2019 में लगाना पड़ा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी। शादी के बाद भी अपने बच्चे नहीं हुए। मिस एशिया पैसिफिक साल 2000 में रहने वाली फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक दिया मिर्जा ने बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में की है, ये सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त दिया मिर्जा अपने जिंदगी में खुश है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि दिया मिर्जा की शादी के बाद कई और बड़े राज खुलकर सामने आए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।